What's up, everyone? Welcome to the 7th episode of the Inspirational web series, You versus You with me, Sajan Shah. 7th episode, or 7th surprise, is I say, know your peak time slot. My dear friends, imagine that there is a bank which every day in your bank account 86,400 rupees deposit. But लेकिन रात होते ही वो अकाउंट का सारा बैलेंस जीरो कर देती है. अब ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे? आप कहोगे, साजन सिंपल है, रात होने से पहले ही हम सारा का सारा पैसा निकाल लेंगे, राइट? स्मार्ट पीपल, हमारी लाइफ में भी एक सिमिलर बैंक है जिस बैंक को मैं कहता हूँ टाइम. और ये बैंक हर रोज आपकी जिंदगी के अंदर 86,400 सेकंड्स इन्वेस्ट करती है. और दोस्तों, ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है उसका राइट वे में यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बिकॉज गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता. इतना सुनने के बाद आपको शायद लग गया होगा कि आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सेशन देने वाला हूँ. नो, आप गलत हो. आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको पीक टाइम स्लॉट के बारे में ही बताने वाला हूँ. लेकिन पीक टाइम स्लॉट को समझने के लिए टाइम की अहमियत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. नाउ कम्स पीक टाइम स्लॉट. पीक टाइम स्लॉट सिंपली मीन पूरे दिन का एक ऐसा स्लॉट, एक ऐसा जोन होता है जिस जोन के अंदर आपका एनर्जी, आपका फोकस, आपका अलर्टनेस, आपका कॉन्शियसनेस टोटली पीक लेवल पर रहता है. इसे मैं कहता हूँ पीक टाइम स्लॉट. नाउ ब्रेड लार्सन हमेशा से एक चीज कहते थे कि जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपना पीक टाइम स्लॉट ढूंढ लेता है और ढूंढने के बाद पूरे दिन के हर वो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टास्क अगर वो पीक टाइम स्लॉट के अंदर करना स्टार्ट कर देता है तो ऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी से मिनिमम 4 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी वो हर उन कामों के अंदर पा सकता है जो ये पीक टाइम स्लॉट के अंदर कर रहा है. ऐसा सुनने के बाद ऐसा लगा, क्या मजाक कर रहे हो, क्या ये सही में हो सकता है? द आंसर इज येस, हो सकता है. दूसरा सवाल भी आया होगा कि साजन, तो हम हमारा पीक टाइम स्लॉट कैसे ढूंढे, जरा हमें बताओ. ओके, आज के इस एपिसोड का जो चैलेंज है वो पीक टाइम स्लॉट को ढूंढना ही है. कैसे? आने वाली 3 मिनट मुझे बहुत ध्यान से समझना. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेट्स से पूरे दिन के अंदर 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं, राइट? अब इन 24 घंटों को अगर मैं 6 स्लॉट्स के अंदर का डिवाइड करता हूं तो हमको एक स्लॉट जो है ना वो 4 घंटे का मिलेगा. जैसे रात को 12 से 4 का पहला स्लॉट, 4 से 8 का दूसरा स्लॉट, 8 से दोपहर के 12 का तीसरा स्लॉट, अगेन 12 से 4 का चौथा स्लॉट, 4 से 8 का पांचवा स्लॉट और 8 से 12 का छठा स्लॉट. टोटल 6 स्लॉट्स. अब ऐसा माना जाता है कि आउट ऑफ 6 स्लॉट्स हम मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 स्लॉट्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअली 1 या 2 स्लॉट के अंदर या तो हम सोते हैं या तो हम रेस्ट करते हैं. सो मिनिमम मिले हमारे पास 4 और मैक्सिमम मिले हमको 5. ऐसा सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा, साजन हम हमारा टाइम जोन्स कैसे डिजाइन करें? ओके, लेट्स से अगर आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, ओके, तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि 7 से 11 का पहला स्लॉट, 11 से 3 का दूसरा स्लॉट. अब थोड़ा 8 बजे उठते हो तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि 8 से 12 का पहला स्लॉट, 12 से 4 का दूसरा स्लॉट. इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, एक स्लॉट 4 घंटे का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर? राइट? डन? ओके, सो आज सबसे पहले अपने टाइम जोन्स मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 डिजाइन करो. उसके बाद नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. इसमें कहता हूँ 5 डेज ट्रायल मेथड. करना बहुत सिंपल है और बहुत एफिशिएंट मेथड है. लेट्स स्टार्ट विद डे 1. अब डे 1 के अंदर सबसे पहला स्लॉट ले लो. सबसे पहला स्लॉट अगर 7 बजे उठ रहे हो, 7 से 11 वाला, 8 बजे उठ रहे हो, 8 से 12 वाला, 4 घंटे का ही स्लॉट होना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, डे 1 फर्स्ट स्लॉट. अब फर्स्ट स्लॉट के अंदर करना बहुत सिंपल है. लेट्स से पूरे दिन के अंदर आपको क्लियरली आइडिया होगा कि आज के दिन के अंदर आप क्या क्या करने वाले हो. आप पूरे दिन के अंदर जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टास्क है जिसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बॉडी, आपका एनर्जी, आपका माइंड, आपका फोकस, आपका अलर्टनेस 100% आपको पीक स्टेट पर चाहिए होगा, वो सारे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टास्क जो है आपको डे 1 के अंदर स्लॉट 1 के अंदर करना है. जैसे 4 घंटे खत्म हो जाते हैं, एक शॉर्ट समरी बनाओ, शॉर्ट समरी, और उसके अंदर सिर्फ इतना लिखो कि ओके 4 घंटे के अंदर आपने कितनी कितनी चीज़ें की. ओके, डे 1 इज कंप्लीट. नाउ कम्स डे 2, सेकेंड डे. सेकेंड डे के अंदर जो 4 और 5 स्लॉट्स बनाए हुए, टाइम जोन्स बनाए हुए, राइट, उसमें से सेकेंड स्लॉट ले लो. अगर 7 बजे वाले हो तो 11 से 3 का आएगा, 8 बजे वाले हो तो 12 से 4 का आएगा. सेम डे 2 के अंदर सेकेंड स्लॉट के अंदर अब दिन के सारे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टास्क करने हैं, 4 घंटा खत्म करने के बाद एक शॉर्ट समरी बनाना है. सिमिलरली डे 3 स्लॉट 3, डे 4 स्लॉट 4, डे 5 स्लॉट 5. 5 पूरे दिन के
ट्रायल्स खत्म करने के बाद, शॉर्ट समरीज रेडी करने के बाद, एक बार वो सारी समरीज को एक टेबल के ऊपर रखो एंड 5 मिनट का टोटल पॉज लो, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, फोकस, और सारी की सारी समरीज को देखो और उनको एनालाइज करने के बाद ये देखो कि कौन सी ऐसी समरी थी जिसके अंदर आपका प्रोडक्टिविटी और आपका एफिशिएंसी मैक्सिमम था, जिस दिन की समरी के अंदर, जिस स्लॉट की समरी के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्टिविटी और आपका एफिशिएंसी पीक लेवल पर था, समझ लो वो ही आपका पीक टाइम स्लॉट है। जैसे आपको आपका पीक टाइम स्लॉट मिल जाता है, एटलीस्ट 3 या 4 महीने तक सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टास्क उसी के अंदर करना स्टार्ट करो, आप देखोगे कि आपका प्रोडक्टिविटी ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पर चला जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, हर 4 महीने के बाद एक बार फिर से ये 5 डेज ट्रायल करो। आप कहोगे साजन वापस करना क्यों जरूरी है? जरूरी है बिकॉज 4 महीने के बाद माइट भी आपका विजन चेंज हो गया, माइट भी आपका सराउंडिंग चेंज हो गया, माइट भी आपका काम करने का तरीका चेंज हो गया। सो 4 महीने के बाद अगेन ये 5 डेज वाला ट्रायल करो, नोट करो, अगर सेम ही स्लॉट आ रहा है मूव ऑन, सेम स्लॉट नहीं आ रहा है, नया आ रहा है तो नए के अंदर स्टार्ट कर दो। 1 साल तक अगर पीक टाइम स्लॉट के अंदर काम करना स्टार्ट किया तो 1 साल के बाद आप देखोगे आपका प्रोडक्टिविटी और आपका प्रोग्रेस चार्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पर चला जाएगा। बट करना जरूरी है और वेट मत करना, आज से ही स्टार्ट करना। बेंजामिन फ्रैंकलिन हमेशा से एक चीज कहते थे, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर इतना भी समझ लिया तो भी हो गया। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आज के इस एपिसोड का जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उस इंसान का नाम है जेसन फिट्जगेरल्ड। जेसन उन एथलीट्स के कोच है जो एथलीट्स अपना करियर रनिंग के अंदर बनाना चाहते हैं और ये खुद स्ट्रेंथ रनिंग के फाउंडर भी है। उन्होंने अपने एक आर्टिकल के अंदर लिखा था कि जो रनर्स 1 लेवल से ऊपर अपना प्रोग्रेस चार्ट, माइट भी अपना ग्रोथ रेशो अगर डिजाइन नहीं कर पाते और अचीव नहीं कर पाते, उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल होता है कि वो रॉन्ग टाइम में रॉन्ग वर्कआउट करते, इसी वजह से मेजोरिटी ऑफ एथलीट्स जो रनिंग के अंदर अपना करियर बना रहे ग्रोथ नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं। सुन के से थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्या बात कर रहे हो साजन, क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल है? क्या टाइमिंग और एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? मैं भी यही जानना चाहता था और इसी के रेफरेंस में इन डेप्थ नॉलेज गेन करने के लिए मैं कई सारे आर्टिकल्स पढ़ा और वो आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे 2 और ब्यूटीफुल चीज़ जानने के लिए मिली। इट इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग थिंग टू नो। ओके, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ थी कि मेजोरिटी ऑफ एथलीट्स दे यूजुअली गो लॉन्ग इन AM, मतलब कि जितने भी एथलीट्स हैं वो लॉन्ग रनिंग सुबह सुबह ही करते हैं, जस्ट बिकॉज सुबह सुबह कोर बॉडी एंड एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत लोअर स्टेट पर होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग रनिंग के अंदर एफिशिएंसी लाना वो बहुत इजी हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, स्कॉट फ्लिगलीमैन जो पूरी दुनिया के जाने माने एथलीट्स के कोच है, उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर लिखा था। दूसरी सबसे अमेजिंग चीज़, मेजोरिटी ऑफ एथलीट्स दे डू हार्ड प्रैक्टिसेस इन PM। ज्यादातर एथलीट्स जितनी भी हार्ड प्रैक्टिसेस होती है ना वो इवनिंग के अंदर करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, शाम को एरोबिक कैपेसिटी, बॉडी का कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस बहुत पीक स्टेट पर होता है, तो हार्ड प्रैक्टिसेस करना उनके लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है। अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यंगस्टर्ड रिसर्च का ये आर्टिकल था जिसके अंदर ये सारी चीजें भी मेंशन थी। सुन के कितना सरप्राइजिंग लगा। आज दिन तक आप जितने भी एथलीट्स को देख रहे थे उनको देख के ऐसा लगा कि ठीक है, इट वुड बी लाइक रियली वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट टाइम पर राइट एक्टिविटी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से आपके सराउंडिंग के अंदर कोई प्रोफेशनल अगर स्विमर है तो एक बार उनको मिलो और पूछो, और उनको पूछो कि लेट्स अगर आप मॉर्निंग के अंदर अगर 200 मीटर स्विमिंग करते हो और अगर सेम स्विमिंग इवनिंग के अंदर 200 मीटर्स करते हो तो क्या दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा? आंसर वुड बी यस आएगा, बिकॉज दोनों का प्रोडक्टिविटी और कॉन्शियसनेस दोनों स्टेट के अंदर अलग अलग होगा। अब पता चला कि टाइम स्लॉट और प्रोडक्टिविटी तीनों तीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये तीनों तीन को पैरेलल वे में अगर चलोगे तभी जाके आप अपने काम के साथ और अपनी जर्नी के साथ जस्टिस कर पाओगे, और इसी वजह से पीक टाइम स्लॉट को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नाउ आज ही सबसे पहले टाइम जोन डिजाइन करो, उसके बाद में 5 डेज ट्रायल करके पीक टाइम स्लॉट को ढूंढो, और उसके बाद में मिनिमम 4 महीने तक वो सारे के सारे ट्रायल्स उसी पीक टाइम स्लॉट के अंदर करना स्टार्ट करो। ओके, और यस, ये सारी चीज करने के बाद अपना रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर करो। जल्द मिलते हैं episode 8 के साथ, कुछ नए लर्निंग्स, कुछ नए चैलेंजेस, कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आओ जो, अलविदा, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, गुड बाय एंड जय हिंद।